क्वेश्चन वन का रोमानक वन है बच्चों, और यहाँ पर इसको बताना है कि कौन सा इसमें द्विघात समीकरण है, यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होने के लिए बच्चों साथ है एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, ऐसा रूप का रहेगा तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाता है। मतलब द्विघात का मतलब दो घात, द्विघात का मतलब दो घात, दो घात पावर दो रहेगा और द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। और अगर मान लीजिए आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, ये सूत्र पता होना चाहिए। चलिए मान लीजिए कि a का मान कितना x है, यहाँ पर अगर a का मान x मान लें और b का मान क्या माने वो आना है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या बनेगा बताइए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बनेगा। आइए हम लोग बराबर करते हैं, a स्क्वायर बोलिए x स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ठीक है, ये का मतलब x प्लस 2 प्लस टू इंटू ए का मान इंटू बी का मान देखा है ना, इसी सूत्र देखिए जहाँ जहाँ बैठा था बैठा है ना, और प्लस बी का स्क्वायर, बी का मान कितना है, कितना है बी का मान बराबर हो जाएगा। देखो इसको देखो कोष्टक को हराने के लिए क्या होता है गुणा, कोष्टक को हटाने के लिए खत्म करने के लिए ऊपर वाला जो बाहरी मान होता है उसमें गुणा होता है, टू में गुणा ऐसा करो प्लस प्लस पढ़ते हुए और प्लस माइनस माइनस, ठीक है यहाँ पर जगह कितना है एक्स स्क्वायर ओके प्लस दो में गुणा है एक्स का और दो में गुणा होगा एक का दो यानी दो में गुणा होगा एक का तो दो होगा, दो में गुणा होगा एक का यानी कितना बचेगा यहाँ पर वन का वन वन, एक का पावर सौ का तब एक हुई बराबर हो जाएगा टू एक्स माइनस बोलो और देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये क्या है प्लस में है माइनस में, टू एक्स माइनस में है तो क्या हो जाएगा और बराबर क्या लिखा जाए जीरो, नहीं समझा तो बचेगा आपका एक्स स्क्वायर भैया टू एक्स प्लस में एक अच्छी में घर भेज दीजिए इसको क्या बचेगा वन प्लस छ। अगर मान लीजिए कि हम जीरो में गुणा करते हैं एक्स का कितना आएगा जीरो, लेकिन अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर ना प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस सात तो क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी नहीं जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस कई रंग का है इसको खत्म कर देंगे बचेगा आपका वन और प्लस छह कितना सात बराबर जीरो, कोई दिक्कत, हम इस चीज को इस समीकरण को लिख सकते हैं यहाँ में एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस बराबर जीरो, आएगा सर कितना आंसर आपको दिया हो, क्या बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर दिया है माइनस टू इंटू थ्री माइनस एक्स, बोल रहा है कि चेक करो कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, चेक करने का मतलब जांच करना, क्या करना है जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलो यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर, देखिए यहाँ पर इंटू है ना माइनस प्लस कितना के छ और माइनस माइनस क्या बचेगा टू एक्स, कोई दिक्कत, अब एक्स स्क्वायर बदल करिए बच्चों माइनस टू एक्स ये प्लस में माइनस में है कि क्या हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में क्या हो जाएगा चलो बराबर जीरो, समझ रहा है ना, तो हम जानते हैं कि माइनस टू और माइनस टू कितना होगा माइनस है ना, तो हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स कितना होगा,
प्लस सी बराबर जीरो। क्या लिखेंगे? चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का है, अतः एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस छह बराबर जीरो एक द्विघात समीकरण है। रोमन अंक तीसरा सवाल, ठीक है। ये सवाल है एकदम बिल्कुल आसान है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता है बाबू। अगर हम एक्स में गुणा करते हैं, एक्स का कितना दिया जाता है? बोलिए आएगा। क्योंकि बेस समान होता है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। क्या होता है? जुड़ जाता है। अगर मान लीजिए गुणा करना है माइनस एक्स में माइनस एक्स का प्लस एक्स, बात वही है ना। अगर माइनस एक्स में गुणा करते हैं एक्स का माइनस एक्स, ये समान है एक्स एक्स, हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं समझ आया? उसी प्रकार से मेरे छात्रगण एक्स माइनस टू का गुणा करना है एक्स प्लस वन में, तो देखिए समझिए पहले x माइनस टू का गुणा करना है x प्लस वन में, तो क्या करेंगे आप? इसका गुणा इसे करेंगे, फिर इसका गुणा इसे करेंगे, फिर इसका गुणा देखिए इसे करेंगे, फिर इसका गुणा इसे करेंगे। समझ आया? x में इसका x में वन का ये माइनस टू प्लस 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 माइनस हो जाएगा माइनस प्लस माइनस टू। कोई दिक्कत? जानते हैं कि प्लस प्लस क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस 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 का एक्स में वन का एक्स में गुणा करेंगे वन का तो एक्स आएगा माइनस टू में एक्स का माइनस टू में वन का माइनस टू माइनस टू प्लस माइनस माइनस। देखिए आगे एक्स में एक्स का एक्स में तीन का माइनस 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 ये बचेगा आपका माइनस एक्स वाले में है माइनस टू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स थ्री एक्स से एक्स घटेगा टू एक्स माइनस थ्री, ये वाला खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका माइनस एक्स माइनस टू बराबर टू एक्स माइनस थ्री। देखते हैं तो आप देख ध्यान दीजिएगा, अब बचेगा आपका माइनस एक्स, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, फिर माइनस उतरेगा प्लस में तीन बराबर जीरो, तो ये देखिए कितना बचेगा माइनस थ्री एक्स माइनस टू यानी प्लस वन बराबर जीरो। हो गया ना रास्ता खारिज? ये है नहीं है लिखेंगे चूंकि चूंकि क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का नहीं है, अतः माइनस थ्री एक्स अतः माइनस थ्री एक्स अतः माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो द्विघात समीकरण नहीं है। बस करिए कौन सा है? चार पॉइंट वन का पहला का चौथा। चलो एक्स में गुणा करो टू एक्स का कितना होगा प्लस 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 टू एक्स स्क्वायर, एक्स में गुणा वन का माइनस तीन में गुणा टू एक्स का माइनस एक्स माइनस तीन में गुणा वन का माइनस प्लस बराबर एक्स में गुणा पाँच में गुणा ठीक है। टू एक्स जाएगा बच्चों एक कली में है, बचेगा आपका माइनस पांच एक्स माइनस तीन बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स। बोलिए अब देखिए टू एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स माइनस तीन छाप दिए पहले, ए प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, ए प्लस में क्या क्या लिखेगा जीरो। अब देखो ये दो का स्क्वायर है, ये कई बड़ा है, कौन बड़ा है
ये बड़ा है ना, ये क्या है छोटा है, ये एक बार है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको है ना माइनस पांच एक्स माइनस पांच एक्स, कितना हो रहा है माइनस दस एक्स और माइनस तीन और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचेगा जीरो, छोड़ लिए। अब देखो एक बार प्लस में एक बार क्या माइनस घटा दो, कितना बचेगा माइनस तीन बराबर जीरो लिखेंगे। चूंकि क्या लिखेंगे एक द्विघात समीकरण क्या है, चार पॉइंट वन और पहला का पांचवा हो गया। क्या करना है, इसको जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, कोई दिक्कत ऊपर तक समझिए। कितना होगा और कौन कौन छाप रहा है पता लगाओ, पहले बनाते समय लड़कियों बता दो पीछे से कोई छाप रहा था मुझे इशारा करो। टू एक्स में गुणा होगा ऐसे कितना होगा टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स में गुणा होगा माइनस तीन का पहले तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस तीन गुना के छह, कोई दिक्कत माइनस वन का गुणा एक्स के माइनस माइनस पाँच में एक्स का माइनस प्लस माइनस नहीं होगा। अब देखिए टू एक्स स्क्वायर माइनस देखिये छह एक्स और एक्स कितना होगा सेवन एक्स माइनस सेवन एक्स ना प्लस तीन बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देखिए पता नहीं है प्लस में ना कितना बचेगा प्लस फोर एक्स, कोई दिक्कत माइनस पांच क्योंकि ये प्लस में है ओके। अब देखिए टू एक्स स्क्वायर इसका बेहतर यह है प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, देख रहे हैं टू करेंगे माइनस सेवन एक्स इसका बेहतर यह है उतरेगा प्लस तीन माइनस में क्या हो जाएगा प्लस बराबर चलिए टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर टू में से घटे कितना बचेगा आपका एक्स स्क्वायर बच्चों माइनस देखिए माइनस सेवन एक्स माइनस फोर एक्स कितना होगा स्क्वायर में से घटे कितना बचेगा एक्स स्क्वायर यस माइनस सेवन माइनस फोर एक्स और पांच तीन बराबर जीरो कोई दिक्कत परेशानी। अब देखेंगे क्या क्या रूप आ गया एक्स स्क्वायर प्लस जीरो आ गया ना माइनस माइनस आया है नहीं उसमें मतलब इसके रूप का है ना बराबर बी बराबर सी बराबर आ गया ना रूप का है अतः अच्छा भाई ये रूप का एक द्विघात समीकरण इन जगह राइट कितना हो जाएगा पहले टू एक्स गुण एक्स किए हैं कितना हो जाएगा टू स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना माइनस वन गुण एक्स में माइनस 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 प्लस इधर देखिए एक्स में इसका एक्स स्क्वायर एक्स में वन का माइनस प्लस पांच में गुणा इसका पांच पांच में गुणा माइनस वन का माइनस पांच तो वहां से हल करेंगे बच्चों तो यहां तक हम लोग पहुंच जाए कोई दिक्कत नो करो जी बस बाकी हुआ कब बना दें कि हम लोग बड़ी बड़ा इंसान बन जाए कौन सा वाला है क्या करना है इसमें इसमें जांच करना है कि कौन जो है द्विघात समीकरण आ रहा है कि नहीं अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो रूप में आ जाएगा तो यह द्विघात समीकरण है अन्यथा नहीं।
ये तो थोड़ा हुआ है, इसको सिर्फ छाप देंगे। इसे के माइनस डी का होल स्क्वायर आ गया। यस सर। ए माइनस डी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस। देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा, बोलो यस सर। यस सर। माइनस टू इंटू ए का मान यस, इंटू बी का मान दो, प्लस बी का स्क्वायर दो का स्क्वायर हो गया ना। यस सर। एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो। देखिए ये तीनों में गुणा होगा। देखिए दो में गुणा दो का चार, चार में गुणा एक्स का चार, माइनस प्लस यानी माइनस फोर एक्स और दो का वन चार। क्लियर है? यस सर। ये वाला बेचारा कट जाएगा। यस सर। अब हुई भी नहीं करेगा। थ्री एक्स प्लस वन बराबर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस वन माइनस फोर बराबर जीरो। अब हो जाएगा सेवन एक्स माइनस थ्री माइनस थ्री बजे तो कर्ज में है। यस सर। ये कर्ज में है, चार में से वन तो माइनस चार में है। यस सर। माइनस थ्री बराबर जीरो। क्या यह एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी आया? नो सर। जीरो के रूप का नहीं है। सेवन एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो। एक द्विघात समीकरण नहीं। राइट आंसर।